प्रदेश में बारिश का सितम जारी है, जिसकी वजह से गांवों की सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई। कई ग्रामीण सड़कों के लिए परेशान है तो कई मुक्ति धामों के लिए। ऐसा ही एक मामला अशोकनगर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां मुक्ति धाम की जमीन अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है। पूरा मामला अशोकनगर जिले से सटी हुई ग्राम पंचायत मोहरी राय का है, जहां पर मुक्ति धाम के लिए निर्धारित जगह अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है। सरपंच के अथक प्रयासों के बाद भी वो जगह अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुई और अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर एक मंदिर बना दिया है और अब इसी पर प्लॉटिंग का काम चल रहा है। मुक्ति धाम की जगह को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ग्राम पंचायत मोहरी राय के सरपंच दिलीप धाकर द्वारा कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में आवेदन दिया गया है, लेकिन आज तक मुक्ति धाम की भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हुई है। एक साल में इतनी समस्याएं आ रही है, इस पंचायत में इतनी समस्याएं आ रही है, जैसे कि शांति धाम एक ऐसी समस्या है कैसी कि सार्वजनिक काम है, सब लोगों का काम होता है। प्लस इसके लिए मेरे पास मोहरी राय में ग्रामीणों ने बहुत बुरे से बोला, सरपंच साहब हमें आपसे उम्मीद है आप हमारे साथ व्यवस्था करवा, हम लोग 2-3 किलोमीटर दूर ले जाते हैं जलाने के लिए, जैसे कोई आदमी मर जाता है, ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए। तो मैंने उनसे बोला भैया ठीक है, मैं जगह दिखवाता हूँ कहाँ है नंबर, तो मैंने नंबर दिखवाया। वो क्या नंबर है सर? शांति धाम का नंबर 124/2 नंबर है। तो मैंने उसको दिखवाया, उस पर तो अतिक्रमण हो रखा है। किसने किया? उस पर तो कॉलोनी दमंगों द्वारा अतिक्रमण किया जा चुका है। प्लस उसमें एक मंदिर बना दिया गया है शंकर भगवान का, तो उसके नाम पे वो लोग बोलते हैं इस जगह मंदिर बन गया तो यहाँ शांति धाम नहीं बन पाएगा। तो मैंने उनसे निवेदन किया आप जगह दिखा दो, मुझे जहाँ आप जगह दिखा दो वहाँ बना दूंगा मैं, ये समस्या ख़त्म तो कैसे भी कर दी। तो उसके बाद फिर मैंने कई जगह आवेदन भी लगाया, मैंने जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय जी को मैंने आवेदन दिया, श्रीमान जी मुझे जगह आवंटित करके दी जाए, वहाँ मैं शांति धाम निर्माण कर सकूँ। आपने SDM तहसीलदार तहसीलदार साहब को भी दिया, तहसीलदार साहब ने लेटर भी जारी किया था पटवारी साहब के लिए, वो उनने क्या रिपोर्ट दी तहसीलदार साहब को पटवारी साहब ने, इसका तो मुझे पता नहीं है, मगर उन्हें ये बताया मेरे लिए यहाँ पे मंदिर बन चुका है, यहाँ पे तो बनना नामुमकिन है। तो मैंने उसके आप मुझे जगह निकाल के दे दीजिए, सरकारी जगह आप कहीं भी निकाल दे दीजिए, वो जगह भी सरकारी है, वो शांति धाम का नंबर है। क्या सर्वे नंबर? 124/2 नंबर है वो, उसमें करीबन 2 बीघा जगह है, उसमें 2 बीघा जगह में आधे बीघा के समथिंग उन लोगों ने मंदिर बना रखा है, जो कॉलोनियाँ काट रहे हैं, बाकी जगह पे वो प्लॉट वगैरह काटने की राग में है, प्लॉटिंग हो रही है। हाँ प्लॉटिंग हो रही है। मैंने उनसे भी निवेदन किया जाके, देखो मेरी ग्रामीण समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे आप एक काम करो ये जगह निकाल के दो। तो मैंने पटवारी साहब से भी निवेदन किया, श्रीमान जी मैंने आप मुझे जगह निकाल के दे दीजिए, जहाँ आप जगह निकाल के दोगे मैं बना दूंगा। कौन है पटवारी? पटवारी अपने दीपक रघुवंशी जी पटवारी हैं, हम यहाँ का परिवार उन्होंने संभाल रखा है, उनसे भी निवेदन किया मैंने, कलेक्टर महोदय जी से मैंने जाके जन सुनवाई में 3 से 4 बार मैंने आवेदन लगा चुका हूँ, मेरे पास चारों आवेदन कॉपी हैं। जब इस संबंध में तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर तहसीलदार द्वारा आदेश दिया गया है, लेकिन अभी तक भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हुई है। मैं इसकी जांच करा लेता हूं, मैंने पटवारी को पत्र भी जारी किया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई। नहीं तो इसके लिए आवेदन वो पहले भी सर पूर्व में भी कई लोगों को दे चुका है, SDM साहब को, अपना कलेक्टर साहब को, और 2-3 बार जन सुनवाई में भी आवेदन दे चुका। उसी पत्र के आधार पर ही हमने जो है पटवारी को जो है पत्र जारी किया है, ताकि उसकी जो है उसकी जांच करे कि कौन कौन अतिक्रमण करता है और किस तरह का अतिक्रमण है, उसका स्वरूप क्या है, और उसकी जांच रिपोर्ट यहाँ दे, ताकि उसके जो है विधिवत आवेदन कर सके और उसको निर्दिष्ट कर सके। ग्रामीण भारत TV के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।